दोस्तों फिर से आपको नया वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो बन रहा है मैनपुरी टू दिल्ली जाने वाला रोड, एटा अलीगढ़ बुलंदशहर होके ये रोड जाता है। आगे एक तो कांचा माल गाड़ी जा रहा है हिमाचल प्रदेश का। मेरा गाड़ी का स्पीड देखिए, अभी 60 स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ। मेरा गाड़ी में 11 टन माल है, फिर भी उसको ओवरटेक करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपको देखने को मिलेगा कांचा माल ड्राइवर कितना स्पीड से गाड़ी भगाते हैं। देखिए जी, कांचा माल गाड़ी का सजावट देखिए कितना अच्छा से सजा के रखा है भाई। देखिए रस्सी तो जैसे बंधा हुआ है, पीछे से रस्सी बांधने के लिए उनको 10-15 मिनट लगा होगा। देखिए कितना सुंदर से रस्सी को बांध कर जा रहे हैं भाई जी। गाड़ी को कैसे सजाया है देखिए, आरके रोल लाइन्स लिखा हुआ है। ड्राइवर साहब मोबाइल में बात कर रहा है लगता है। हाँ मोबाइल में तो बात कर रहा है, फिर भी कितना स्पीड से गाड़ी भगा रहा है। देखिए ऊपर में झंडा भी लगा हुआ है, गाड़ी को कैसे सजाया, कितना रेडियम लगा हुआ है। देखिए सुफियान लिखा हुआ है उसका केबिन का ऊपर। ड्राइवर का मूड देखकर पता लग रहा है कि ये जितना स्पीड से गाड़ी भगा रहा है अभी तो मेरे को ओवरटेक करके चला जाएगा भाई। नया मॉडल का पिकअप थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसीलिए बहुत स्पीड से गाड़ी भगाते हैं। लेफ्ट साइड से मेरे को एक तो हरियाणा का कंटेनर ओवरटेक करके फिर जा रहा है भाई। देखिए अच्छा ये रोड में और गाड़ी स्पीड से गाड़ी भगा रहे हैं, अभी देखो दौड़ा के मेरे को ओवरटेक कर लिया। एक कंचा माल गाड़ी ड्राइवर का आदत ही ऐसा है, उन लोग स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। देखिए एक हाथ से मोबाइल से बात कर रहे हैं, कितना स्पीड से गाड़ी भगा रहे। देखो उनका पिकअप भी कैसा है, देखो कितना जोर से भाग रहा है भाई। उनको पीछा करना बहुत मुश्किल वाला काम है। अच्छा ये कानपुर टू दिल्ली जाने वाला रोड है, रोड जैसा बना हुआ है कोई भी ड्राइवर ये रोड में गाड़ी चलाने का दौड़ने का मन करेगा भाई। बिल्कुल प्लेन वाला रोड है, देखिए बिल्कुल गड्ढा उड्ढा कुछ भी नहीं है बारिश का सीजन में, इसीलिए रोड पर बहुत स्पीड से गाड़ी चल रहा है। हर गाड़ी स्पीड से गाड़ी भगा रहा है। ये मेरा नीचे नीचे का माल है, 11 टन का माल है, इसलिए गाड़ी थोड़ा ज़्यादा नहीं खींच रहा है। उनको ओवरटेक करने का कोशिश करके ज़बरदस्ती गाड़ी को दौड़ा रहा था। लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है दिल्ली 219 किलोमीटर बाकी है, यहाँ से शाम तक दिल्ली पार करके रात को 9-10 बजे तक हरियाणा का सोनीपत पहुँच जाऊँगा। कल सुबह खाली करके फिर दिल्ली वापस आना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कमेंट करने से थोड़ा हमारा उत्साह बढ़ता है। थैंक यू।